जीते हुए हमारे सदस्य हैं, इनके लिए मुबारकबाद। और जिस मकसद के लिए ये बनी है हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसको हमारी जीत जो हुई है विकास के नाम पर हुई है, और इस जीत को हम विकास की राह पर लेके और पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक नया मॉडल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी पीछे रह गया है उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एक बार सुम ब्लॉक से डीडीसी के लिए उम्मीदवार जो है वो विजय हुआ हूँ, और लोगों ने मुझ पर विश्वास करके बहुत ज़्यादा वोटों से मुझे विजय दिलाई है, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाके की वजह से हमारे जो इलाके का आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, उसमें सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई स्कूल ताले वगैरह नहीं है, उस पर विश्वास करके ये वोट दिया है ताकि मैं अपने इलाके की जो डेवलपमेंट जो है वो करवा सकूँ, डिग्री कॉलेज भी खुलवाऊँगा ताकि हमारे जो बच्चे बच्चियाँ ग्रेजुएशन करने के बाद कम से कम वो KS कर सकें, IAS कर सकें, और दूसरे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए वो तैयार हो सके। पहले मैं वहाँ वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से हर पंचायत में एक एक डिस्पेंसरी जो है जरूर खुलवाऊँगा ताकि हमारे जो पेशेंट लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे नौजवान है, कम से कम उनको वहाँ मेडिकल सुविधा मिल सके। बहुत ही बड़ा दिन है जो हम भाजपा जो है वो शुरू से लेकर आज तक ये लड़ती रही है पंचायती राज सिस्टम के लिए और 73 और 74 अमेंडमेंट के लिए, और भारत सरकार ने खासकर मोदी सरकार ने JKUT और 370 तोड़ने के बाद ये जम्मू कश्मीर को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। और मैं ये आश्वासन करता हूँ जहाँ से सभी जनता को, जिन्होंने 14 में से 13 लोग भाजपा के जहाँ से जिताकर भेजे हैं, सरकार जो है वो आपके द्वार पर होगी, आपको सरकार के पास काम करने के लिए नहीं आना होगा, ये मैं आपको पूरी तरह से चेत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। यहां पर कमल खिला है और कमल के होते हुए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो मोदी जी ने ये 3-tier सिस्टम कंप्लीट करने का बीड़ा जो उठाया है इसे कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट की बात है तो मेरे बहुत सारे पिछड़े गाँव हैं जैसे क्रीमची, गुंगड़, ओड, दसिया, सुराड़ा, जहाँ पे रास्ते की भी कोई सुविधा नहीं है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी मैं सभी इलाकों को अच्छे से रास्ता का काम शुरू करवाएंगे। और उसके बाद पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी को मैं तो पहली प्राथमिकता ही पानी को दूंगा। दूसरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि सुंब को अमटा की और सांदी को गोवाल से जोड़ के एक रास्ता बनवाएंगे और हमारा जो सफ़र है वो 8 किलोमीटर रह जाता है, तो ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। कि हम डोगरे हैं, हम जम्मू के डोगरे हैं, डोगरी के हम अगर डोगरी की पहचान बनाना चाहते हैं तो हम डोगरी को दर्जा दिलवाना चाहते हैं और शब्द हम डोगरी में ना लें ये कोई बात नहीं बनती। इसलिए हम शुरू से सुनते हैं, आए हुए हैं, गाना भी आता है जैसे मिठड़ी है डोगरे की बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, दिंदे ने जवाब तोली तोली ते खंड मिठे डोग लोग।